प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवाई जी के अध्यक्षता में हुई, विशेष रूप से हमारे हमारे मोयल पुनिया जी, चंदन यादव जी, मोहन मरकाम जी, डॉक्टर चरणदास सिंह जी, मंत्रिमंडल के सदस्यगण और सभी हमारे निर्वाचित किसी डेलीगेट मोहन मरकाम जी ने एआईसीसी डेलीगेट का पीसीसी चीफ प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष और कार्यकारिणी गठन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को अधिकृत किया है और समर्थन मैंने इंद्र सिंह जी ने और अन्य साथियों ने किया। दूसरा प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में राहुल जी जरूर हो, इसके लिए मैंने प्रस्ताव किया। कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बनाया जाए, इसका प्रस्ताव मैंने रखा। मोहन मरकाम जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, तेलंगाना जी ने, डॉक्टर जी ने, इसका समर्थन पूरे देश के कार्यकर्ताओं का भी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे प्रस्ताव किया, इसके पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, दो राज्य हुआ है, अन्य राज्यों से भी मुझे प्रस्ताव आते हैं। फिर राहुल जी को फिर से विचार चाहिए और अधिकतर निर्वाचन ये बहुत कम समय बचा है। मैं समझता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते राहुल जी आज भी होना है, विधायक चुके हैं उसको भी को ऑप्शन में लिया जाएगा, तो स्वास्थ्य भी लिया जाएगा, को ऑप्शन का व्यवस्था हमारे निर्वाचन अनुसंधान में है सर। लेकिन राहुल गांधी सर, आप लोग बार बार प्रस्ताव दे रहे हैं कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, लेकिन मीडिया में और बार बार ऐसी खबरें आती कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनती है, और इसीलिए ही जो है मीडिया की बात है ना। डोंडी लोहारा और बालोद तीन जिले का अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी वर्ग के लोगों से बातचीत होगी, शासन के जो योजनाएँ हैं उन लाभार्थियों से बात होगी और सभी संगठनों से बात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।